बात करें कार बाजार की तो आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक कारों का होगा। कुछ ही सालों में आपको अपने चारों ओर ज्यादातर ईवी कार्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल देखने को मिलेंगे। दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स कारों की कंपनियों को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। यही नहीं, कार खरीदने वाले ग्राहकों को भी भारी संख्या में इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। भारत में भी सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने पर अच्छी खासी छूट मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली को ही ले लीजिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कंपनियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस को माफ करने का आदेश दिया है, जिससे ग्राहकों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर छूट मिलेगी। अभी तक लोग अधिक कीमत की वजह से इन गाड़ियों को नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब कारों में रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने की वजह से 1 से 2 लाख रुपए तक की भारी छूट देखने को मिल सकती है। जिससे एक बात तो साफ है कि सरकार के इस कदम से ग्राहकों का इलेक्ट्रॉनिक कार पर भरोसा बढ़ाने का ये एक सकारात्मक उपाय होने वाला है। अगर इस कड़ी में फेम टू स्कीम को भी जोड़ दें, 5 लाख रुपए तक की कार पर आपको 50,000 की सब्सिडी मिलती है, वहीं 15 लाख तक की कार में आपको 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। यानी कुल मिलाकर इन दोनों प्रकार से ग्राहकों को लगभग 3 लाख तक का फायदा मिलने वाला है। तो देर किस बात की, अगर आप भी कार लेने की सोच रहे हैं तो भारत में उपलब्ध इलेक्ट्रिक कारों की टेस्ट ड्राइव लेना ना भूलें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें धुआंधार न्यूज़।